पंजाब में बीजेपी विधायक के कपड़े फाड़ने और मारपीट करने के विरोध में आज बीजेपी की तरफ से पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि पानीपत के सनोली रोड पर भी सैकड़ों की संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता रोष स्वरूप सड़कों पर उतरे हैं। इस दौरान कांग्रेस व संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य दर्शन पाल सिंह का पुतला भी फूंका गया। बताया जा रहा है कि बीते दिनों पंजाब में किसान भाजपा दफ्तर के सामने विधायक अरुण नारंग का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही नारंग अपनी कार में वहां पहुंचे, किसानों ने उन्हें घेर लिया और उन पर पहले स्याही फेंकी। उसके बाद नाराज बीजेपी कार्यकर्ता व किसान आमने सामने आ गए। हंगामे में बीजेपी नेता अरुण नारंग के कपड़े भी फाड़े गए, जिसके बाद देश भर में बीजेपी नेता व कार्यकर्ता नाराजगी जता रहे हैं। आज देश व प्रदेश के साथ पानीपत के सनोली रोड पर भारी संख्या में बीजेपी के नेता व कार्यकर्ता एकत्रित हुए। इस दौरान कांग्रेस व संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य दर्शन पाल सिंह का पुतला भी फूंका गया। इस दौरान पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज ने कहा कि कांग्रेस व संयुक्त किसान मोर्चा ने षड्यंत्र के तहत बीजेपी नेता अरुण नारंग के साथ गलत व्यवहार किया है, जिसके चलते अब लगातार कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी स्वरूप प्रदर्शन किए जाएंगे। में जो हमारे अबोहर से विधायक है श्री अरुण नारंग जी, उन्होंने मलाड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आज्ञा लेकर बुलाई थी। सबसे पहली बात तो ये कि उनको कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिली। दूसरी बात, एक अमानवीय तरीके से उनके ऊपर काली स्याही फेंकी गई, उनके कपड़े फाड़े गए, उनको थप्पड़ मारा गया, उनको मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों तरीके से प्रताड़ित किया गया और पुलिस ने कोई मदद नहीं करी, प्रशासन जो है वो देखता रहा। तो आज मेरा सबसे पहले तो पंजाब की सरकार से ये सवाल है कि जो हमारा अन्नदाता है, जो हमारा किसान है, क्या वो इस तरीके का अमानवीय कृत्य कर सकता है? आज गेहूं की फसल हमारी तैयार खड़ी है और जो किसान है वो अपने अपने खेतों में अपनी फसल को संभाल रहे हैं, कटाई भी कहीं ना कहीं गेहूं की शुरू हो चुकी है। तो ये सारे के सारे ऐसे अमानवीय कृत्य, कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ कि इसमें कांग्रेस का एक इस तरीके से हाथ है कि वो पूरे के पूरे देश में एक अव्यवस्था, एक अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। जिस तरीके से लोग खुश हैं, वो स्थिरता जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं। आज मैं ये पूछना चाहती हूँ अमरिंदर सिंह जी से कि अगर आपसे पंजाब में कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है तो आप इस्तीफा देने की कृपा करें और जो लोग भी इस अमानवीय कृत्य में दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनके अगेंस्ट FIR होनी चाहिए, उनको तुरंत पकड़ा जाना चाहिए और साथ ही साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उनको तुरंत सजा मिलनी चाहिए। इसी अमानवीय कृत्य के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने यहां पर दर्शन पाल सिंह और कांग्रेस का पुतला जो है हमने फूंका। आप सबको अच्छी तरह जानकारी है कि पंजाब के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के साथ कैसा घृणित काम किया गया है, ये किसानों ने नहीं किया। किसान हमारा अन्नदाता, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता है। इसके पीछे राजनीति है और राजनीतिक षड्यंत्र है। कांग्रेस पार्टी ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर ऐसा घृणित काम किया है और इसको पंजाब सरकार ने रोकने की कोई कोशिश नहीं की है। और मैं तो आग्रह करूँगा पंजाब सरकार से, हमारा आग्रह है कि जल्दी से जल्दी FIR करके जो दोषी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी एक चिट्ठी जाएगी, हम सब की तरफ से जाएगी, जिन्होंने ये घृणित काम किया है उनको जल्दी से जल्दी FIR करके उनको अरेस्ट किया जाए और उनके ऊपर फास्ट ट्रैक में कोर्ट में केस चलाया जाए ताकि इसका निर्णय जल्दी से जल्दी हो। जो आरोपी है, छानबीन करने के बाद उनको सजा मिलनी चाहिए ताकि आज के बाद ऐसा घृणित काम कोई ना कर जाए। ये किसानों को बदनाम कर रहे हैं ऐसा काम करके। किसान हमारा अन्नदाता, हम मानते हैं, आप मानते हैं, सब मानते हैं, उनकी कुछ भी डिमांड हो सकती है और उसको बैठ के आपस में विचार विमर्श करके पार्टी और सरकार हमेशा तैयार है, लेकिन इस तरह से योजनाबद्ध तरीके से किसी को अपमानित करना, जनप्रतिनिधि को अपमानित करना, ये सहन नहीं हो सकता। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और जल्दी से जल्दी सब आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। पंजाब पुलिस या पंजाब सरकार मामले क्यों नहीं दर्ज कर पा रही अभी तक? नहीं, उनको करनी चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो इसका मतलब उनके साथी हैं वो। पंजाब सरकार को इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर और किसी को उनका सहयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये किसानों द्वारा किया गया नहीं है, यह सामाजिक तंत्रों ने और जो कांग्रेस पार्टी के गुर्गे हैं उन्होंने ये काम किया है। पुतला किस किस का फूंका जा? पुतला दर्शन पाल का फूंका, कांग्रेस का फूंका, दोनों दोषी हैं हमारी नज़र में। इस चीज़ में दोनों दोषी हैं। क्यों नहीं पंजाब सरकार ने और कांग्रेस ने उसको रोकने की कोशिश की? रुक सकता था। ऐसा क्या कि समाज के अंदर सड़क के ऊपर एक विधायक के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया वो रुक नहीं सकता क्या? अगर 100-200 पुलिस वाले थे रोक नहीं सकते थे क्या?
रोकने का इरादा नहीं था, इसलिए ऐसा ग्रीन काम हुआ है। आपने भी किसानों को अपना अन्नदाता बताया है और किसान अपनी मांगों को लेकर इतने समय से अड़े हुए हैं, तो यदि कोई आदमी अपना भला नहीं करना चाहता, सरकार उनकी मांगे क्यों नहीं मान लेती? देखिए, सरकार का निरंतर प्रयास है, केंद्रीय सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री जी का, तोमर जी का, कि किसी भी तरह से हम आपस में बैठें। घर में कोई समस्या होती है, समाज में समस्या आती है, तो उसका हल बातचीत से ही निकलता है। अलग अलग बयान देने से कभी हल नहीं निकलेगा। इन लोगों का जो निमंत्रण है वो स्वीकार करना चाहिए। 2-4-5 बैठकों में कोई ना कोई अच्छा निर्णय निकल जाएगा जो सबको मान्य होगा, लेकिन ये लोग बातचीत के लिए आने के तैयार नहीं हो रहे। आपने लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है, वो कहा है भाई? बॉबी कहा है? बॉबी, बॉबी अभी मैंने उसको कॉल किया, भाई ये तेरे को सूचना किसने दी? कल सुबह ये थी मेरे पास, वरिंदर जी थे, मुझे कहता जी होली है। मैं क्या होली तो है भाई। अरे एक बात और बता दो आपके माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये निर्णय नहीं करता कि उसको कौन सा चुनाव लड़ना है या कौन सा चुनाव नहीं लड़ना, इसका निर्णय पार्टी करती है और जो पार्टी का निर्णय होता है सुप्रीम निर्णय है। किसान संगठन ये कह रहे हैं कि सोची समझी साजिश के तहत बीजेपी आज प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि कल भी कई जिलों में आपका प्रदर्शन है बीजेपी का, और कल ही से किसान संगठन ने कह रखा था हम प्रदर्शन करेंगे, तो ये प्रदर्शन किसानों को बदनाम करने के लिए बीजेपी ऐसी साजिश कर रही है? ऐसी साजिश नहीं है। क्या हम अपना आक्रोश जाहिर ना करें? हमारे माननीय विधायक के साथ पंजाब में यह हुआ, क्या आप उसको उचित समझते हैं? जब वो उचित आप भी नहीं समझते, तो हमें अपना रोष तो प्रकट करना है। हाँ, रोष एकदम से सारी जगह नहीं हो सकता, भटके हो जाता है, लेकिन सब में बहुत बड़ा रोष है, कार्यकर्ताओं में रोष है, भारतीय जनता पार्टी के, कि उन्होंने एक घृणित काम किया है जो किसी भी तरह से उचित नहीं ठहरा सकते, और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। सर, उनका तो पहले से ही फिक्स था, उन्होंने काफी लंबे समय पहले तय कर दिया था कल प्रदर्शन करेंगे, जबकि बीजेपी ने सेम टाइम पे कल का ही टाइम। हाँ, तो जब अभी हमारे माननीय विधायक जी के साथ वहाँ पे ऐसा एपिसोड हुआ है, तो हम योजनाबद्ध तरीके से उसका रोष प्रकट क्यों ना करें? आप बताइए, हम करेंगे, बार बार करेंगे, जब तक ये चीज रुकेगी नहीं। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।